अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? होप आप सभी अच्छे से होंगे, खैर से होंगे, मज़े में होंगे, मचाते होंगे, मचाते रहना। आज मैंने व्लॉग ऑफिस में स्टार्ट किया है क्योंकि आज मैं ऑफिस आ चुका हूँ जल्दी से। बारिश भी थी तो मैंने छाता लाया था, जल्दी नहीं आया था, 8:30 बज गए। पहले मैं फ़ोन पिकअप करता हूँ, देखता हूँ कौन है। जुबैर भाई, अस्सलामुअलैकुम सर। कच्चू सर, मैं वो दौड़ घंट पर आ रहा है। ये थे हमारे जुबैर भाई जो कि फ़ोन कर रहे थे। मैंने बोला उसको जल्दी से आ जाओ यार, लेट हो गया। चलो गाइस, ये पहुंचा हूं मैं ऑफिस, बट अभी ऑफिस बंद ही है, 8:30 बज गए, अभी भी ऑफिस बंद है क्योंकि आज बारिश भी है, इसीलिए लड़के आज थोड़ा लेट आएंगे। अमर भाई भी आ रहे हैं, उसने मुझे फोन किया, वो आ रहे हैं। आप देख सकते हो छाता भी मेरे पास है, घर से छाता लेके आया था। पहले देखते हैं अमर भाई कहाँ तक पहुँच गए, मैं फिर से फोन लगाऊंगा। फिर का जो वेदर है ना, पता नहीं चलता है कब बारिश आती है कब धूप निकलती है। भाई कुछ दिनों से ऐसी हाल चल रहा है यहाँ पे, आपको तो सब पता होगा जो भी कश्मीर में रहता होगा। अभी मैं आ चुका हूँ ऑफिस, बट यहाँ पे कोई भी नहीं है मेरे सिवा, सिंगल मैं ही है। वो भी 8:30 बज गए, लड़के आज थोड़ा लेट से आएंगे। तो पास में नहीं रहते, आधे रहते 10 किलोमीटर, आधे रहते 5 किलोमीटर, आधे रहते एक लड़का हमारा यहाँ इतना दूर रहता है कि 20 किलोमीटर रहता है। उसका डाउन टॉप होता है 40 किलोमीटर एवरेज में डेली। तो देखो बंदा कितना डेडिकेटेड है। कोई नहीं, आज थोड़ा लेट हो जाएगा, कोई बात नहीं। ऋषभ भाई, हाँ बोलो भाई, लेट क्यों हो गया आज? लेट हो गया इसलिए कि बारिश हो रही थी। तो टाइम क्या था हमारा? टाइम था हमारा 8:30। तो फिर मैं 9:30 को पहुंचा, 1 घंटा लेट हुआ। अच्छा, 1 ही घंटा लेट हुआ सर। अच्छा, कितने पार्सल है आज? 17 पार्सल भाई। 17 पार्सल कब तक होगा ये? बस मुकेगा 12 बजे तक मुकेगा सारा कुछ। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या प्लान है? इसके बाद प्लान है बालगाम जाना। अनिल भाई कितने पार्सल है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 20 पार्सल है। तो कितना टाइम आगे में जाना? बहुत ही मुश्किल होता है भाई, देखते हो हमारे डिलीवरी बॉय कितने डेडिकेटेड है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, परसों मैंने सुना है सिस्टम पे एक बंदा उसको गालियां दे रहा था, हमारे लड़की को दे रहा था कि नहीं दे रहा था? हाँ, दे रहा था। यार प्लीज लड़कों को रेस्पेक्ट दे दिया करो, और जो भी पार्सल है आपका वो रिसीव किया करो, गालियां ना दे दिया करो। रैना भाई आज लेट क्यों हो गया? क्या भाई यार, कसम से 1 घंटा लेट हो गया। फोन दे दे, फोन फुटेज निकालो। पूरा 1 घंटा इसको लेट हो गया। ये देखिए हमारे एक लड़के को स्कूटी खराब हो चुकी है, तो अब हम आ गए इसके पास। देखो भाई कितने डेडिकेटेड होते हैं ये लड़के। फिर आप सोचते हो यार ऐसी मैकेनिक को लाना पड़ा हमें, मैकेनिक फिर से गया दुकान पे, कुछ सामान और लाना है इसका, इसको उठाना है भाई। पार्क से भाई हो गई स्टार्ट, बहुत परेशानी हो गई भाई। जब लड़की को गाड़ी खराब होती है ना तो बहुत तकलीफ में रहता है लड़का। तो अभी आ चुका हूँ मैं घर, शाम के बज चुके 5:30। तो आपने देखा होगा दिन में यार कितना टेंशन होता है। एक भाई का स्कूटी खराब हो चुका था, उसके पास जाना पड़ा और उसको स्कूटी ठीक करवा दी। मैं बोलूं यार इस दुनिया में कितने बेईमान लोग हैं यार। मैकेनिक जो लाया हमने स्कूटी का जो प्लग होता है, ने बोला भाई ये खराब हो चुका है प्लग, हमने बोला चलो इसमें क्या है नया डाल दो। फिर पता क्या किया, जब नया डाला स्टार्ट किया, नया वाला निकाल दिया और पुराना वाला जोड़ दिया वापस। यार कितनी बेईमानी है यार, इतना गुस्सा मेरे को चढ़ गया कि पूछो ही मत यार। कल उसके पास जाना है फिर, और एक दफा उसको मैं बताऊंगा भाई ये क्योंकि बेईमानी, क्योंकि एक तो बोल रहे थे 500 दिन आए, तो दूसरी तरफ से आपने फ्यूज लगा दिया वो भी पुराना वाला जो कि उसमें पहले ही था, वही वाला वापस जोड़ दिया है। ये आ चुकी है मेरी चाय, नमकीन चाय। यार दिन में इतना टेंशन था आज मेरे को, यार पूछो ही मत। बस टेंशन यही था कि यार झूठ क्यों बोलते लोग, ईमानदारी से काम करो, अगर फ्यूज लगाया नया, प्लग लगाया नया तो लगा दो यार, इसमें क्या है। पुराना लगा दिया वापस और नया जो था वो निकाल दिया वापस, वो लेगा वो अपने दुकान पे। फिर मैंने जब वहां से देखा तो मैंने सोचा यार ये क्या है, ये कौन सा बंदा है यार, 3 बंदूक के सामने इसने यार प्लग एक्सचेंज कर दिया। तो फिर ऊपर से झूठ बोला कि नहीं भाई मैंने नया ही चढ़ा दिया। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो कल मैं आपको वो दिखाऊंगा, वो फ्यूज भी दिखाऊंगा और उसका जो बेईमानी है वो भी दिखाऊंगा।
चलो यार मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक अच्छे से रहना, खैरियत से रहना, मजे में रहना, बाय बाय, टेक केयर।